हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि ब्रश का पॉइंट कैसे बनाएं। बिना ब्रश के पॉइंट बनाए हम कोई भी लेटर को अच्छा तरीका से नहीं लिख सकते हैं, और कोई भी लेटर लिखने के लिए ब्रश का पॉइंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत कोई अच्छा तरीका से पॉइंट नहीं बनाने सकते हैं, जिनके कारण से उनका लेटर भी अच्छा तरीका से नहीं बनता है। तो चलिए, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि ब्रश का पॉइंट कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं कि ब्रश से कैसे पॉइंट बनाते हैं। ब्रश का जो पॉइंट है उसी से लिखावट बहुत सुंदर दिखता है। जो सीक्रेट है वो आज आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम दो डिस्पोजल ले लिए हैं, और ये डिस्पोजल में हम एक में पहले पानी डालते हैं और एक में ये तारपीन तेल डाल रहे हैं, जिसे आप जानते होंगे, हर एक पेंटर इसका यूज करता है पेंट करने के लिए। ये तारपीन तेल थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि इसी में हम ब्रश को डाल के धो देते हैं। तो ये एशियन पेंट है, वाइट कलर का, जो हर एक हार्डवेयर दुकान में आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसी से आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे ब्रश का पॉइंट बनाए। सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे पास तीन ब्रश है, तीन ब्रश को हम यूज करके आपको दिखाएंगे और सही मायने में कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये तारपीन तेल है, तारपीन तेल में हम डाल के इसको पॉइंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे इसका पॉइंट अच्छा से नहीं बन पा रहा है। इसको हम बार बार ऐसे करेंगे, देखिए, फिर भी ये फट जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब मान के चलिए इसको कुछ देर के लिए और हम ये करके देखते हैं, फिर भी ये बन नहीं पा रहा है। यदि हम इसी से लिखेंगे लिखेंगे तो देखिए ये अच्छा से नहीं लिखा आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ छोड़ दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है। ये जो ब्रश है ये अच्छा से नहीं बन रहा है। देख रहे होंगे बाल बाल सब एक जैसा होना चाहिए, मतलब जब सिमट जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी हम लकीर चीर रहे हैं वो अच्छा से नहीं बन पा रहा है। तो समझिए कि ये मेरा मेथड जो है, ये तारपीन का मेथड, ये फेल हो गया। तो ऐसे हम पॉइंट नहीं बना सकते हैं ब्रश का। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। ठीक, इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं पेंट में यूज करते हैं, और देखते हैं इससे कैसे होता है। इसको पेंट में डायरेक्ट यूज किए, देख रहे हैं, इससे भी मेरा पॉइंट नहीं बन रहा है। देखिए, मतलब तारपीन से डालने के बाद कुछ हद तक डायरेक्ट यदि हम पेंट में यूज कर रहे हैं, पेंट में, तो इसमें पॉइंट कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बाल सब सिमटा हुआ नहीं है। बाल को एक जैसा सिमटा हुआ होना चाहिए, इधर बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है, फटा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो बाल बराबर होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इससे हम लिख के देखते हैं, देखिए, इससे हम लिख के देखते हैं तो कुछ हद तक अच्छा है, इससे कुछ हद तक अच्छा है, इससे कुछ हद तक अच्छा है। यदि हम डायरेक्ट पेंट से पेंट में डाल के यूज करते हैं तो देखिए कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन ये भी उतना सफल नहीं हुआ। तो आइए हम अब तीसरा ट्रिक बताते हैं।
जिसे आप यूज करके बहुत ही अच्छा ब्रश का पॉइंट बना सकते हैं, बहुत आराम तरीक़े से और तुरंत में बना सकते हैं। अभी ये तीसरा ट्रिक हम यूज करने वाले हैं, जो कि आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि ये हम पानी इसमें रख रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ब्रश को पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद देखेंगे। अब पानी में डालने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है, इसका पॉइंट नहीं बना हुआ है। तो थोड़ा देर हम इसको और पानी में रखते हैं। अब इसको हम इसका पॉइंट बनाने के लिए जिस तरह से हम तारपीन तेल में किए थे, उस प्रकार से हम ये पानी में करेंगे। ज़्यादा नहीं, एक आध मिनट जैसा करेंगे। और एक आध मिनट करने के बाद इस प्रकार से एक आध मिनट भिगोने के बाद आप देख पाएंगे कि ब्रश का पॉइंट कैसा बन गया। पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा कहीं भी बाल इसका कहीं भी भागा हुआ नहीं दिख रहा, पूरा सिमट गया, पूरा इसका पॉइंट बन गया। तो दोस्तों ये जो ब्रश है, इसका पॉइंट बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी भी तेल या किसी भी तारपीन चाहे किसी भी थिनर में ना डालें। सबसे अच्छा है, आपको पानी कहीं भी मिल जाएगा और पानी में आप डाल के इस प्रकार से पॉइंट बना सकते हैं। और दोस्तों इसको हम अभी अब देख रहे हैं टेस्ट करके कि क्या ये पॉइंट अच्छा से रहता है या नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि इसका पॉइंट कहीं भी नहीं भाग रहा है। अब इसे हम लिख के भी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए हम इसे दिखाने वाले हैं आपको इसमें पॉइंट कैसे बनता है। देखिए इसका जो ये लकीर देख रहे होंगे पूरा क्लियर आ रहा है, इसका और इसका और इसका में बहुत अंतर है। अब देखिए मान के चलिए हम र लिख रहे हैं, र ये बहुत अच्छा पॉइंट बन गया, देख पा रहे होंगे ऐसे। और इसको हम तो ये आपका पॉइंट बन गया और ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।